वेकफील्ड जेली क्रिस्टल्स मैंगो फ्लेवर, चलो ट्राई करते हैं, बट अलग से ट्विस्ट के साथ। इसके पैकेट के पीछे भी लिखा है कि इसे पानी से बनाना है, बट हम बनाएंगे इसको माजा से, मतलब अलग ही ट्विस्ट है ना, क्योंकि ये है मैंगो फ्लेवर तो माजा भी मैंगो फ्लेवर है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा, तो चलो ट्राई करते हैं। तो ये है 45 रुपीज़ का पैकेट, इसके अंदर प्रीमिक्स मिलता है और पाउडर मिलता है। तो मैंने यहाँ पे हाफ पैकेट बना रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, इसमें हाफ पैकेट बना रही हूँ, और मैंने हाफ पैकेट ये पाउडर लिया है और हाफ पैकेट यहाँ पे प्रीमिक्स डाला है, और उसके बाद हम डालेंगे माजा। ठीक है, मैं पूरा पैकेट माजा डालूंगी, वैसे तो मैंने ये हाफ हाफ लिया है, बट मैं उसमें पूरा डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, आप चाहो तो इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हो। अब डालेंगे इसमें माजा, पूरा पैकेट डालना है माजा का, और ये रियली बहुत अच्छी बनी थी, वीडियो को एंड तक देखो। देखो इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, आप खुद देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और आपको पता है कि पैकेट के पीछे लिखा है कि गर्म पानी डालना है तब ये जेली बनेगी, लेकिन माजा तो एकदम ठंडी होती है, तो ये जेली कैसे बनेगी। हमने तो इसके अंदर माजा ऐड कर दी, तो ये अच्छे से मिक्स भी नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर ना बॉयल किया, जब तक इसमें एक उबाल आ गया तब तक मैंने इसको 5 मिनट तक इसे बॉयल करा, और बॉयल होने के बाद फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया इन दोनों बाउल्स में। इसे बॉयल भी कर लेना, क्योंकि बॉयल होने के बाद ही ये जेली बनेगी, क्योंकि हमें गर्म पानी डालना था लेकिन हमने उसके अंदर माजा डाली है। अब इसे अच्छे से इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, और देखो ये इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, ठंडियों में हम मैंगो जेली खाएंगे। One hour later. वैसे तो मैंगो जेली गर्मियों में मिलती है, लेकिन हम इसे ठंड में खाएंगे। अब इसे निकाल लेते हैं, और ये देखो कितनी ईजी ये बाउल से निकल गई है। मैंने इसको सीधा करा, और अब इसे कट करके ट्राई करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट कर दो, लाइक बटन को भी क्लिक करो, कमेंट करो। वाओ, इसका टेक्सचर तो बहुत अच्छा है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कभी भी इस जेली को पानी के साथ में ट्राई करना, हमेशा हमेशा इस जेली को माजा के साथ ही ट्राई करना। एक बाइट आपके लिए भी, और लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब।